प्रोजेक्ट्स पे चले जाएंगे। तो उससे पहले मेरे पिछले लेक्चर में कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी नहीं थी, बिकॉज थोड़ा सा टेक्निकल इशू भी था माइक का भी, जिसकी वजह से कभी आवाज़ कट रही थी। तो मैं एक थोड़ा सा गो थ्रू करूँगा पिछले हमारे जो टैग्स थे, ठीक है जी, HTML, डॉक टाइप, ये सारे टैग्स। डॉक टाइप मैंने बताया था डिक्लेरेशन है, इससे होता क्या है कि जो स्टैंडर्ड्स बनाने वाली वेबसाइट है W3 कंसोर्टियम, वहाँ से स्टैंडर्ड्स फेच होते हैं, मार्जिन और इस तरह की पैडिंग और रूल्स वगैरह CSS के, और डिफरेंट फॉन्ट साइजेस वगैरह वहाँ से फेच होते हैं और आपकी वेबसाइट पे वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप डॉक टाइप HTML नहीं लगाएंगे डिक्लेरेशन, तो आपकी वेबसाइट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिस्प्ले नहीं होगी। ये स्टैंडर्ड इसलिए होते हैं ताकि मुख्तलिफ ब्राउजर्स पे वो इजीली नज़र आना शुरू हो जाए, ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंस ना उसमें क्रिएट हो उसका जो डिस्प्ले है। उसके बाद हमारा जो प्राइमरी टैग है वो HTML है। सारा का सारा जो पेज होता है, एक मैं पूरी वेबसाइट नहीं कहूँगा क्योंकि हमें पता है कि जैसे एक बिल्डिंग कमरों के ऊपर मुश्तमिल है, उसी तरह एक वेबसाइट पेजेस पे मुश्तमिल है। तो एक वेब पेज एक HTML के अंदर मौजूद होता है, पूरा जो डॉक्यूमेंट है एक वेब पेज का वो HTML के टैग के अंदर क्रिएट किया जाता है। HTML के दो प्राइमरी टैग्स हैं, हेड और बॉडी। हेड के अंदर उस वेब पेज को रेंडर करने की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उस वेब पेज को कैसे ट्रीट करना है उसके डॉक्यूमेंट को, वो इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर मौजूद होती हैं हेड टैग के अंदर, ठीक है। इसकी अगर आपको लाइव एग्जांपल्स भी साथ साथ चाहिए तो पिछले लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं कि ये हेड HTML टाइटल वगैरह इसकी लाइव एग्जांपल्स क्या है, ठीक है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको कहा था अपने पास डाउनलोड कर लें पेज, मैंने गूगल क्लासरूम के लिंक में भी दिया हुआ है ये पेज, और जूम पे इस वक्त जो लोग मेरे साथ लिंक्ड हैं जूम पे, मुझे आप चैट मैसेज भेजेंगे तो चैट मैसेज का मैं आपको अपना जूम का माइक ऑन करके आपको मैं जवाब दे दूंगा। बाय डिफॉल्ट सबके जूम माइक्स ऑफ हैं, तो क्वेश्चन आप टाइप करके भेज सकते हैं, चाहे मुझे यूट्यूब पे क्वेश्चन करें या फिर जूम पे कर दें, आई विल आंसर देम। HTML और के जो अंदर जो टैग्स हैं प्राइमरी, वो हैं हेड और बॉडी, और हेड का जो प्राइमरी टैग है वो टाइटल। ये जो चार टैग्स हैं जिनके साथ ये स्ट्रेट लाइंस हैं, ये इसके मैंडेटरी टैग्स हैं। इसके बगैर HTML पेज जो वेब पेज है वो अपनी एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर पाता, ना किसी को बता पाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एडिशनल टैग्स, और इसकी बेतहाशा लंबी लिस्ट है, और ये रिपीट भी हो जाते हैं। हेड टैग रिपीट नहीं होता, बॉडी टैग रिपीट नहीं होता, HTML टैग रिपीट कुछ कंडीशंस में हो जाता है, सिमिलरली टाइटल टैग रिपीट नहीं होता अनलेस अनटिल कोई खास लॉजिक ना लगाओ, उसका आउटपुट एक ही होता है। अच्छा जी, जो मेटा टैग है और लिंक और स्क्रिप्ट, ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो सकते हैं और ये एडिशनल फंक्शनैलिटी के लिए होते हैं वेब पेज के लिए। लिंक का टैग जो होता है वो CSS के लिए इस्तेमाल होता है, स्टाइल शीट्स के लिए। स्क्रिप्ट जो होती है वो जावास्क्रिप्ट अगर आपने लिखनी है, और जो मेटा का टैग है ये SEO पर्पसेस के लिए होता है, और कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी भी डालता है वेब पेज के अंदर, जैसे कि रिस्पॉन्सिवनेस और कुछ UTF स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, UTF-8, वो भी इस्तेमाल करने की इजाज़त दे देता है ये, ठीक है जी। तो ये है पुराने हमारे लेक्चर का ब्रीफ ओवरव्यू। अब हम मैं मूव करने लगा हूँ आज के लेक्चर पे जो हमारा है, तो लेट्स सी कि आज हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। वी विल फॉलो दिस प्रेजेंटेशन, जैसे जैसे हमें गाइड करेगी हम वैसे वैसे चलेंगे। सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट देखते हैं कि प्रोजेक्ट हमारा आज जो हमने HTML और CSS की टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाना है वो कैसा दिखता है, ठीक है जी। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अब, ओके। ये आप देखें कि ये मैंने अपनी ही एक CV बनाई हुई है, फेक है इसमें सारा इन्फॉर्मेशन जो है, जस्ट टू शो यू कि CV किस तरह की है। हम इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा प्राइमरी जो टैग्स हैं, बेसिक टू लिटिल एडवांस्ड, वो सारे इसमें कवर होंगे, ठीक है। कुछ चीज़ों को हम बनाएंगे पुराने तरीके से ताकि आपको थोड़े
फंडामेंटल्स का भी पता चले कि पहले दौर में इस तरह का पेज किस तरह बनाया जाता था, ताकि आपको, क्योंकि उसी की बेस पे सारी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसी को इम्प्रूव करने के लिए। तो जब आपको हिस्ट्री पता होगी कि चीज़ कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से अडेप्ट कर सकेंगे, सीख सकेंगे। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक साइड बार है, उसके अंदर पिक्चर है, क्योंकि रिज्यूमेस जाती हैं हायरिंग के लिए और डेटाबेसेस में जाती हैं जहाँ पे सारी रिज्यूमेस होती हैं। फिर वहाँ पे एम्प्लॉयर्स आपको सर्च करते हैं मुख्तलिफ कीवर्ड्स डाल के, एचआर जो होती हैं, तो वो वहाँ पे सर्च इंजन विजिबिलिटी भी रहे, कुछ टैग्स उसको भी एड्रेस करेंगे यहाँ पे, कुछ अरेंजमेंट भी जो है हमारे सीवी डॉक्यूमेंट की उस चीज़ को एड्रेस करेगी। यहाँ पे जो मैंने अभी बात की है कि जी सर्च इंजन, दुनिया की हर वेबसाइट, अगर तो वो कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है, बिजनेस एप्लीकेशन है, सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से मुराद जैसे कोई ईआरपी हो गया वगैरह वगैरह, अगर वो नहीं है, कोई बिजनेस सर्विस है, प्रोडक्ट है, जैसे कि ये रिज्यूमे पेज है, या आप समझ लें आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज की समरी है, या आपका पोर्टफोलियो है, ये सब चीज़ें क्यों मार्केट में जो है इंटरनेट पे क्यों पड़ी हुई हैं, ताकि उसकी मार्केटिंग की जा सके, ताकि वो लोगों तक पहुंच सके। अगर हमारा वेबसाइट, हमारी वेबसाइट बनाया हुआ वेब पेज लोगों तक नहीं पहुंच रहा ड्यू टू आवर कोडिंग, तो हमारा जो मकसद है कोडिंग का वो बेकार है। हम जितने मर्जी एडवांस टेक्नोलॉजी लगा के उसके अंदर प्यारे प्यारे टैग्स, प्यारी प्यारी चीज़ें लगा लें, एडवांस कोडिंग लगा लें, स्मार्ट कोडिंग लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, अगर आपकी वेब पेज मार्केटिंग के लोगों तक नहीं जा सकी जिनको चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एसईओ की जो स्टूडेंट्स हैं, और जो मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, और अकाउंटिंग फाइनेंस जितने भी, उनमें सबसे टॉप लेवल पे जो एसईओ के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जानना ज़रूरी है कि ऐसे कौन से टैग्स होते हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं एसईओ के लिए अगर वो सही तरह इम्प्लीमेंट ना हो, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है लॉजिकल वेबसाइट का, क्योंकि आज के लेक्चर में हम वेबसाइट लेआउट और वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, ऐसा कौन सा लेआउट या स्ट्रक्चर है जो कि एसईओ को हर्ट कर सकता है। मैं एसईओ का कंप्लीट स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, बट आई नो थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर एसईओ। एसईओ के लिए जो चीज़ ज़रूरी है एज अ डिवेल्पर, मुझे वो चीज़ें पता होनी चाहिए और वो मुझे पता है, ठीक है। उसकी एक झलक आपको यहाँ भी नज़र आएगी, मैं इस लेक्चर को कॉम्प्लेक्स नहीं बना देना है एसईओ को बीच में डाल के, लेकिन हल्का फुल्का उसका टच ज़रूर आएगा, ताकि कुछ भी आप बनाएं उसका आपको पर्पस पता हो। तो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि मेरा नाम है और उसके बाद मेरी डेजिग्नेशन है। अगर आप थोड़ा इस पर फोकस करें, लोग नाम से तो सर्च नहीं करेंगे आपको, किसी भी एम्प्लॉयर को या आपने, कोई भी कंपनी किसी डेजिग्नेशन को ढूंढती है इंटरनेट पे कि कंटेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट या अकाउंट स्पेशलिस्ट चाहिए, या आप भी अपनी अगर कोई जॉब ढूंढेंगे तो इन्हीं टर्म्स के साथ ढूंढेंगे, जॉब्स वैकेंसी फॉर सेल्स पर्सन्स या सेल्स एग्जेक्टिव्स। तो डेजिग्नेशन इज़ द टॉप मोस्ट थिंग जो कि सबसे ऊपर ऊपर होनी चाहिए, ये कहीं और नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे जाके हम जब स्ट्रक्चर को देखेंगे इसके, तो हमें आइडिया होगा कि वाकई में कोडिंग के एतबार से भी ये टॉप पे है, और विजुअली जिस तरह हम देख रहे हैं अपीयरेंस जो इसकी है डिस्प्ले में, वो भी टॉप पे ही है। उसके बाद आपके आती हैं स्किल्स, इनको भी मैंने टॉप पे रखा हुआ है। टॉप से मुराद के यहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेसेस होते हैं। टेक्निकली एसईओ को, वैसे अगर एसईओ पर्सपेक्टिव से देखें या मार्केटिंग, तो इसके ऊपर मुख्तलिफ राय हो सकती है कि जी कॉन्टैक्ट नंबर पहले होना चाहिए कि बाद में, ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन टेक्निकल सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन शुरू शुरू में लिखी हुई है, बेहतर है वो जल्दी रीड हो जाएगी। क्रॉलर्स जो होते हैं उनको टाइम नहीं लगता आपकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ढूंढने में, उन्होंने स्क्रॉल करना है, शुरू में मिल जाएगी, वो शुरू में डिस्प्ले कर देंगे। इट्स जस्ट एफिशिएंट। ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ एंड पे लिखी हुई है यहाँ पे वो ट्रैक नहीं होगी, इट्स जस्ट ट्राइंग टू फैसिलिटेट द क्रॉलर। क्रॉलर मीन्स के गूगल का जो सर्च इंजन है वो वेब पेजेस को पढ़ रहा होता है, उसकी स्क्रैपिंग कर रहा होता है, ऐसे समझ लें। अगर कुछ स्क्रैपिंग के लफ्ज़ से वाकिफ़ है,
कि वो पेजेस को डाउनलोड करता है जितने भी पड़े होते हैं वेबसाइट पे और उनको पढ़ता है कि इसमें क्या है। तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन शुरू में मिल जाए तो बेहतर है, ठीक है। अच्छा जी, उसके एतबार से आप देखें कि जी जब आप कंटेंट स्पेशलिस्ट या कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन, अगर आप जॉब टाइटल जब कोई एम्प्लॉयर सर्च करता है, ऑब्वियसली फिर वो नेक्स्ट चीज़ जो सर्च करेगा वो स्किल्स सेट्स हैं उसके, कि उसको क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। हो सकता है कि एक जो सेल्स पर्सन है वो फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचता था लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं बेचता था, तो आगे स्पेशलाइजेशंस होती हैं, तो स्किल्स से वो पता लगता है कि वो प्रोफाइल किस कैटेगरी की है। अच्छा, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी नॉलेज की बेस पे ही मैंने वेबसाइट बनाई है। ये मैंने एकदम से हवा में नहीं बना दी, मुझे किसी ने कहा यार वेबसाइट रेज्यूमे होनी चाहिए, मैंने आंखें बंद करके टेम्पलेट उठाया और यहाँ पे लगा दिया। इसके पीछे पूरा बिजनेस है। आप लोगों के पास भी जब कोई प्रोजेक्ट आएगा, आपके आपके साथ पैनल के अंदर बिजनेस ओनर हो सकता है, सेल्स टीम हो सकती है, मार्केटिंग टीम हो सकती है, बिजनेस डेवलपमेंट टीम हो सकती है, ऑपरेशंस टीम बैठी हो सकती है, ये सारे लोग पैनल में मौजूद होंगे जब आपके पास कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आएगा एक अच्छे लेवल का। छोटे लेवल पे तो वैसे कोई भी दे देगा उठा के जी ये मेरी वेबसाइट बना दो, ठीक है। लेकिन जो अच्छे लेवल की जो बात कर रहा हूँ, जिसमें जो हाई लेवल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर ये सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इस डिसीजन में कि वेबसाइट किस तरह की दिखनी चाहिए। अगर तो वो सारा नॉलेज आपके पास होगा तो ही आप कुछ डेवलप कर पाएंगे ना। आपने फैसला करना है कि मैंने इसके पीछे किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगा इन सब लोगों की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए। तो इसी वजह से मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ, थोड़ा सा SEO का बता रहा हूँ, मार्केटिंग का बता रहा हूँ, सर्च इंजन का बता रहा हूँ, यूजिबिलिटी का बता रहा हूँ, विजुअली चीज़ को अपील भी करना चाहिए। ये फैसला अब आपका नहीं होगा, ये डिज़ाइनर का होता है कि विजुअली अपील कैसे करना है, फॉन्ट्स क्या होने चाहिए, फॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, ये डेवलपर का कभी फैसला नहीं होता। लेकिन चूंकि अगर आपको अगर कोई पाकिस्तानी क्लाइंट मिल जाए, तो फिर वो आप डेवलपर भी खुद ही होते हैं, मार्केटर भी खुद ही होते हैं, डाटा एंट्री भी खुद ही कर रहे होते हैं, डिज़ाइन भी खुद ही बनाते हैं, तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं एक इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ कि डिज़ाइनर का फैसला होता है कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट प्लेसमेंट, ये जो बॉक्स अभी आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इमेज नज़र आ रहा है, सर्कल, ये इधर कितना दूर होना चाहिए टॉप से, ठीक है जी, लेफ्ट से कितना इसका फासला, राइट से कितना फासला होना चाहिए, ये डिज़ाइनर बताता है। अगर आपको कोई डिज़ाइनर ना मिले तो फिर आपको नेट से कोई एग्जाम्पल लेके बनानी पड़ती है वेबसाइट, मुख्तलिफ एग्जाम्पल सामने रख के। तो ये थे बिजनेस डिसीजंस। और आप थोड़ा सा नोट करें कि जो मैं प्लेसमेंट्स और फॉन्ट्स की बात कर रहा हूँ, कलर्स की बात कर रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें देखने से ताल्लुक़ रखती हैं, डिस्प्ले से ताल्लुक़ रखती हैं, विजुअल सेंस से ताल्लुक़ रखती हैं, आँख से। अभी इसके अंदर कोडिंग नहीं आई, हम ये देख रहे हैं कि ये चीज़ का लेआउट क्या है, ये देखें शेडोज़ हैं, चीज़ें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लेआउट है, आपका जो विजुअल है, जो आपने डिस्प्ले देना है फ्रंट एंड, वो बहुत ज़्यादा बेस कर रहा होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है काम देने वाले की, क्लाइंट की, बिजनेस सेल्स मार्केटिंग ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। यूजुअली ये रिक्वायरमेंट्स डिज़ाइनर को कम्युनिकेट होती हैं, लेकिन अगर आप उस टीम का हिस्सा हैं जहाँ पे डिज़ाइनर भी बैठा हुआ है, डेवलपर कोर टीम डेवलपर्स बैठे हुए हैं, हार्ड कोर डेवलपर्स जो होते हैं सर्वर साइड, और फ्रंट एंड डेवलपर्स भी बैठे हुए हैं, ऐसे आप किसी पैनल के अंदर मौजूद हैं, तो आपको ये सब नॉलेज चाहिए इस चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है जी। एंड मुमकिन ये है कि डिज़ाइनर को इस तरह का डिज़ाइन ना दे कि आप उसको डेवलप ही ना कर पाए, तो ये चीज़ आपको भी मालूम होनी चाहिए कि डिज़ाइनर साइड पे क्या चल रहा है और वो किस तरह का फीडबैक आपको उससे रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, यहाँ पे देख सकते हैं आपके लेफ्ट साइड पे तो एक प्लेन पैनल है रेड कलर का, उसके अंदर ये प्रोग्रेस बार्स हैं और उसके कुछ कैप्शंस हैं कि ये प्रोग्रेस बार क्या डिनोट कर रही है, ये स्किल्स हैं जाहिर सी बात है। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है एग्जेक्टिव समरी, यहाँ पे आप अपने इसको एज अ सेक्शन देखें, आप देख सकते हैं इस लेआउट को कहते हैं कार्ड बेस्ड लेआउट, इसमें कार्ड्स होते हैं, ठीक है जी। कार्ड उस चीज़ को कहते हैं जो इस तरह का एक डेडिकेटेड स्पेस हो एक सेक्शन की, जैसे ये समरी है, एक डेडिकेटेड स्पेस है इसकी, विजुअली भी और कोडिंग के अंदर भी इसको सेपरेट करके रखा जाता है, मिक्स नहीं किया जाता किसी भी दूसरे कोड के साथ,
ठीक है। और ये एक सेक्शन है पूरा, कार्ड बेस्ड है, ये भी कार्ड है, इट्स अ बिग कार्ड, ठीक है जी। और उसके ऊपर छोटे छोटे ये भी कार्ड्स पड़े हुए हैं, वर्क एक्सपीरियंस का ये सेक्शन है, इसके अंदर ये कंपनी से कार्ड्स हैं, किस कंपनी में आपने क्या किया, ये क्या किया। कार्ड्स लेआउट जो मैंने सेलेक्ट इसलिए किया क्योंकि इसके अंदर आसानी से उसको क्लासिफिकेशन हो जाती है कंटेंट की। उसके बाद आता है हमारा लास्ट एजुकेशन का सेक्शन, ये भी एक प्रॉपर सेक्शन है, उसके अंदर ये छोटे छोटे सब सेक्शन हैं, कार्ड्स हैं, ठीक है जी। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस किस चीज़ को डेडिकेट करना है। अब ये देखें कि ये एग्जेक्टिव समरी स्टैंड अलोन पड़ी है, पूरा एक कार्ड है इसका, इसके अंदर कोई छोटे छोटे और मजीद कॉलम्स नहीं है। जबकि ये वर्क एक्सपीरियंस, ये भी डेडिकेटेड कार्ड है, पूरा एक्सपीरियंस का एक कार्ड है ये, उसके अंदर छोटे छोटे जॉब्स टेन्योर्स हैं, ठीक है। लेकिन ये किसके अंदर सारा पड़ा हुआ है, इस मेन कार्ड के अंदर, ठीक है, ये अलग से कहीं और नहीं पड़ा हुआ। तो इट मीन्स कि ये डेडिकेटेड सेक्शन नहीं है, ठीक है। डेडिकेटेड सेक्शन ये बड़े वाला है, लेट मी जस्ट शो यू, ये जो सारा सेक्शन है वर्क एक्सपीरियंस का, ये जो चल रहा है शेडोज के साथ, हैवी शेडोज, ये मेन कार्ड है, ठीक है जी। इसको कह लें पेरेंट, इस पेरेंट के अंदर ये छोटे छोटे ग्रुप्स हैं इन अ वे कि ये कहीं भी अलहदा से नहीं पढ़े हुए, ठीक है जी। अलहदा से मुराद के वर्क एक्सपीरियंस से बाहर निकल के पढ़े हों, अलहदा से वो नहीं है। अच्छा जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे चैट में पूछ सकते हैं, और YouTube की जो हमारी चैट है उधर भी, और Zoom की चैट वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो ये सारा था हमारा प्रोजेक्ट। अब हम मूव करते हैं कि हमारे पास आगे और क्या चीज़ है। लेआउट एंड स्ट्रक्चर, लेआउट और स्ट्रक्चर को थोड़ा समझ लेते हैं कि लेआउट और स्ट्रक्चर में फ़र्क क्या है। आपसे ये जब आप प्रोफेशनल फील्ड में जाएंगे, आपसे ये टर्म्स बहुत ज़्यादा आपके सामने आएंगी, और जो बोलने वाले होंगे उनको खुद भी नहीं मालूम होगा कि फ़र्क क्या है। तो ये जो आज सेक्शन हमारा जो लेक्चर है, इसके अंदर मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ। वेबसाइट का जो लेआउट होता है, इट्स ऑल अबाउट अपीयरेंस, जो आप आंख से देख सकते हैं वो होता है लेआउट, ठीक है। प्लेसमेंट्स होती हैं चीज़ों की, एलिमेंट्स की प्लेसमेंट्स ऑन पेज, चीज़ों का साइज़ होता है एक, कि ये चीज़ मैंने कितनी बड़ी शो करानी है, कितनी छोटी शो करानी है, कहाँ पेज पे नज़र आएगी। और अगर फॉर एग्जांपल स्क्रीन छोटी होती किसी की, या किसी की स्क्रीन बड़ी हो जाती डिवाइस की, तो वहाँ पे ये किस तरह से डिस्प्ले होगा, ये डिसीजन भी लेआउट के अंदर आता है। उसके साथ इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस भी लेआउट का हिस्सा है। और फिर विजुअल रिलेशनशिप, जैसे कि अभी हमने देखा था कि एक मेन कार्ड है, उस कार्ड के ऊपर छोटे छोटे ग्रुप्स पड़े हुए हैं, ठीक है, एरियाज हैं, ठीक है। तो कार्ड्स और एरियाज, कार्ड्स के ऊपर एरियाज, ये इनका कोई रिलेशनशिप बन रहा है, आपको देखते ही समझ आता है कि यार ये वाला जो, सॉरी ये कहाँ चला गया, लेट मी जस्ट गेट बैक टू इट। ये वाला जो एरिया है ये इसके साथ ताल्लुक़ रखता है, सिमिलरली ये वाला जो एरिया है ये इस कार्ड से ताल्लुक़ रखता है, और ये लोगो बिल्कुल सेपरेट है। तो चीज़ों की प्लेसमेंट से, उसके साइज़ से, उसके बहुत सारे मुख्तलिफ जो विजुअल एस्पेक्ट्स हैं उनको देख के आप एक रिलेशनशिप बनाते हैं कि ये चीज़ इससे ताल्लुक़ रखती है, ठीक है। तो ये भी लेआउट का पार्ट होता है। उसके बाद इंटरेक्शंस होती हैं कि जी अगर मैं किसी चीज़ पे क्लिक करता हूँ या करती हूँ, तो उसको क्लिक करने से क्या चीज़ ओपन होती है, ठीक है। तो इंटरेक्शंस होती हैं, उसके बाद स्टेट्स होती हैं। अगर मैं क्लिक करूं किसी चीज़ पे, तो उसका रंग चेंज होगा, साइज़ चेंज होगा, उसका डिस्प्ले कैसा होगा, उसका साइज़ कैसा होगा, ठीक है। कोई चीज़ ओपन तो हो गई, लेकिन उसकी विजुअल जो उसकी अपेयरेंस है वो कैसी है, ये तमाम चीज़ें लेआउट कहलाती हैं, ठीक है। इस लेआउट को बनाने में डिज़ाइनर्स, स्ट्रेटेजिस्ट, मार्केटर्स, ऑपरेशन सारे इन्वॉल्व होते हैं कि इस लेआउट का कैसी शक्ल होनी चाहिए, और डेवलपर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और यूज़र एक्सपीरियंस
और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन स्पेशलिस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि ये लेआउट कैसा होना चाहिए। ये मैं आपको एक अच्छे प्रोजेक्ट की बात बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो स्टेक होल्डर्स की जब इनपुट आती है तो इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर आती है लेआउट के हवाले से। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट्स अगर लगानी है इस पेज के ऊपर वो कहाँ लगानी है, वीडियोस लगेंगी तो कहाँ लगेंगी, पहले तस्वीर आएगी, वीडियो आएगी, कंटेंट आएगा, टाइटल आएगा, क्या पहले चीज़ क्या आएगी, तो तरतीब जो है वो भी लेआउट का पार्ट होती है। लेआउट के पीछे जो मामला होते हैं उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। यहीं पे मैं आपको छोटा सा कमेंट दे देता हूँ बिफोर मूविंग ऑन, कि अब आप सोच रहे होंगे यार ये सारा कुछ लेआउट है तो स्ट्रक्चर क्या है। जिस चीज़ की बेस पे जो लेआउट बनता है उसे स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेआउट के बारे में एक मजीद एनालिसिस है, अगर हम अपने प्रोजेक्ट को देखें, मैंने उसका स्क्रीनशॉट यहाँ लगा के रखा हुआ है जो हमारा रिज्यूमे है, उसके अंदर आप देखें कि जो लेआउट है उसके अंदर जनरली इस पे भी अप्लाई हो रहा है ये लेआउट वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमने रिज्यूमे प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, और तकरीबन दुनिया की हर वेबसाइट पे अप्लाई होता है कि दुनिया की हर वेबसाइट के अंदर चार चीज़ होती हैं। एक हेडर होता है जिसको देख के आपको समझ आता है कि वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है। अगर आप मेरी रिज्यूमे देखेंगे तो ये हेडर एरिया है, इस हेडर एरिया को देखते आप पहचानेंगे कि ये रिज्यूमे किस बंदे की है, किस डेजिग्नेशन की है, ठीक है। उसके बाद फुटर होता है, फुटर के अंदर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे फेसबुक, लिंक्डइन प्रोफाइल्स के लिंक्स होंगे, कॉन्टैक्ट करने के तरीक़ेकार मौजूद होंगे, ठीक है। कोई नोट्स वगैरह होंगे, जैसे कि अक्सर लोग लिखते हैं कि रेफरेंसेस विल बी प्रोवाइडेड इफ नीडेड, इस तरह का कोई नोट होगा फुटर में, अच्छा। और उसके बाद फिर आता है मेन मेन सेक्शन जहाँ पे एक्चुअल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक है। और इन तमाम चीज़ों को कैटेगराइज करने के लिए सेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हेडर में अगर कोई मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे आप देख सकते हैं हेडर के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, स्किल्स भी हैं, नाम भी है, डेजिग्नेशन वगैरह है, तो सेक्शंस की मदद से हम कैसे इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब बात आ रही है सेक्शंस के ऊपर और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो हम आहिस्ता आहिस्ता बैकएंड की तरफ जा रहे हैं। बैकएंड से मुराद कि फ्रंट एंड बनाने के लिए जो कोड्स और चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, हम उस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो वेबसाइट स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कोडिंग। स्ट्रक्चर जो सोचा जाता है वो डेवलपर, सिर्फ और डेवलपर ही सोच सकता है कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होगा। और जो वेबसाइट का या एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं उनकी खास डेजिग्नेशंस भी होती हैं, उन्हें सिस्टम या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट कहते हैं, ठीक है। हायर बहुत हाई लेवल के जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं या वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर ये लोग काम करते हैं। रिज्यूमे पे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट काम नहीं करेगा, जाहिर सी बात है कि वो डेवलपर खुद भी सोच सकता है कि उसने क्या बनाना है। डेवलपर के जो डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं स्ट्रक्चर के हवाले से, उसके अंदर डिपेंडेंसीज होती हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है वो कहाँ से डिस्प्ले होगी, वो कैसी दिखती है, उसका ताल्लुक डिस्प्ले करवाने वाले से या जिसकी रिज्यूमे है या जिसको रिज्यूमे पढ़ाई जानी है उससे क्या ताल्लुक है, ठीक है। तो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, इनको स्टेक होल्डर्स कहते हैं, जो जो लोग इंटरेक्ट करते हैं किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट के साथ, वेब पेज के साथ, वो स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। यूजर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, ये तीन नाम लिया जाता है। इनका क्या आपस में क्या ताल्लुक है, ये किस तरह डिपेंडेंट है, किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंट है, उन चीज़ों को पीछे कोड में किस तरह ऑर्गेनाइज रखना है, क्योंकि लेआउट के लेवल पर तो फैसले हो गए हैं, जब इंटरेक्शन की बारी आती है तो इन लोगों को किस तरह से आपस में कनेक्ट करना है और किन किन लेआउट के एलिमेंट्स के साथ इनको लिंक करना है। जो डेटा आ रहा है उसकी कौन कौन सी सोर्सेज हैं, फेसबुक से आ रहा है, फीड आ रही है, कोई डेटाबेस से आ रहा है, कुछ कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, और अगर हमने वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो कहाँ से लेनी है। ये जो डिसीजंस हैं वो तमाम डेवलपर ले रहा होता है। उसकी सिक्योरिटी, जाहिर सी बात है डिज़ाइनर तो सिक्योरिटी नहीं बता सकता क्या होगी, ना कोई बिजनेस ओनर बता सकता है। ये डेवलपर ने सोचना है कि यार अगर कोई लॉग इन कर रहा है तो ऐसा तो नहीं कोई हैकिंग का चांस बन सके, तो मैं इसको कैसे सिक्योर करना है। उसके बाद जितने एसेट्स की मैनेजमेंट है वो नेटवर्क इंजीनियर्स, सिक्योरिटी इंजीनियर्स और डेवलपर्स बैठ के सोचते हैं कि जो एसेट्स हैं, एसेट्स के अंदर होता है आपकी जितना टेक्स्ट मटेरियल है,
चैट्स होती हैं, मीडिया फॉर्मेट्स होते हैं, इमेजेस, वीडियोस, सिक्योरिटी पासवर्ड्स वगैरह, ये सब, प्रोफाइल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल डिटेल्स, ये तमाम एसेट्स हैं, इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल, मुख्तलिफ किस्म के, ये कहाँ स्टोर करने हैं, ये भी फैसला डेवलपर करते हैं बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ जो टेक्निकल साइड पे होते हैं उनके साथ बैठ के। तो ये है लेआउट और स्ट्रक्चर। लेआउट के अंदर कौन कौन लोग होंगे आपके साथ, जाहिर सी बात है मैं शुरू में भी कहा था कि आप लोग ग्रुप्स में काम करेंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में, कोई भी चीज़ अकेले नहीं बन जाती। तो लेआउट के भी कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ एजेंट्स हैं जिनके साथ आपने काम करना है, और स्ट्रक्चर के भी कुछ लेआउट एजेंट्स और स्टेक होल्डर्स होते हैं। ये एक स्पेशल सेक्शन है हमारा लेक्चर का जो कि डिव है। ये आपको मैंने टैग पहले नहीं पढ़ाया क्योंकि हमारा इसके साथ काम नहीं था, ठीक है। आगे जो हमने कोडिंग करनी है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वहाँ पे ये डिव बार 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 आएगा। तो इसको मैं पहले से बता देता हूँ क्योंकि इसका ताल्लुक स्ट्रक्चर के साथ है, कोडिंग के साथ है, और लेआउट को बनाने में ये हेल्प करता है। तो बेसिकली डिव होता है कंटेंट डिवीजन एलिमेंट। डिव इज एन एलिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे एक एचटीएमएल का टैग और टाइटल का टैग, हेड का टैग, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो डिव भी एक एलिमेंट है लेकिन इसका एक पर्पज़ है, ये कंटेंट जो होता है उसको डिवाइड करता है, सेग्रीगेट करता है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा कमेंट दूंगा, आपकी प्रोग्रामिंग जो साइकोलॉजी है, हर प्रोग्रामर, हर फील्ड का बंदा किसी एक साइकोलॉजी के हिसाब से चल रहा होता है, वो उस चीज़ के ऊपर मैं कमेंट दूंगा, फिर मैं डेव को मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनती हैं, ठीक है, जस्ट कॉल देम स्टफ और थिंग्स, ठीक है, अंग्रेजी में एक वर्ड दे देते हैं, जितनी भी, जैसे आपके पास कोई पेंसिल है वो कोई चीज़ है, बैग है वो भी एक चीज़ है, टीवी लगा हुआ है चीज़ है, ठीक है, आपके घर में, बल्कि बल्कि पूरा घर जो है वो भी एक चीज़ ही है, ठीक है, शहर एक चीज़ है, इट्स ऑल अबाउट स्टफ, ठीक है जी। तो दुनिया में जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये एक्टिविटीज़ चीज़ें बनाने या बेचने के लिए हो रही हैं, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई भी एक्टिविटी इस स्टफ से रिलेटेड, इस चीज़ों से रिलेटेड कोई एक्टिविटी अगर आपने करनी है, वो तभी आप कर पाएंगे जब वो सही तरीके से क्लासिफाई हुई नहीं है, ठीक है। तो इसकी बहुत सादा सी मिसाल है, अगर आप अपने बेडरूम की अलमारी खोलें, उसमें कपड़े अगर सारे मिक्स होके पड़े होंगे, सारे आपके अपने ही कपड़े हैं, आप देखते ही पहचान देंगे मेरे हैं, बट स्टिल अगर आपको कोई चीज़ ढूंढनी होगी आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे क्योंकि वो सारी खिचड़ी पकी हुई है। वॉट डू यू डू इज़ आप उस सबको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपने घर में तमाम जो चीज़ें, हेयर ब्रशेज एक साइड पे होते हैं, शैम्पू दूसरे साइड पे होते हैं, दिस इज़ द वेरी बेसिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू मैनेज स्टफ इन योर डेली रूटीन, ठीक है। इसी तरीके से आप, अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आपकी फॉर एग्जाम्पल गेम्स अलहदा पड़ी होनी चाहिए और मूवीज़ अलहदा पड़ी होनी चाहिए, विंडोज़ जिस ड्राइव में पड़ी हुई है वो अलहदा से पड़ी होती है, ठीक है। अगर आप सारा कुछ मिक्स कर देंगे, कंप्यूटर भी परेशान कर देंगे, खुद भी और दूसरों को भी। व्हाट डू यू डू इज़ यू क्लासिफाई, यू कैटेगराइज स्टफ। तो पूरी एफर्ट हो रही है, जितनी भी दुनिया की भाग दौड़ है, पर्सनल लाइफ से, बिजनेस लाइफ से, कहीं भी, आपका जो मेन मकसद होता है सो पहली चीज़ स्टफ़ को क्रिएट करना है, चीज़ों को, थिंग्स को क्रिएट करना है। उसके बाद अगर वो क्रिएटेड हो गई हैं, उसको फिर आपने ऑर्गेनाइज करना है। ये फिलॉसफी डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व है और पूरी की पूरी डेवलपमेंट इस चीज़ पे चल रही है। आपने कोई भी चीज़ अगर बनाई है, सबसे पहले आपने ये सोचना होता है कि इसको मैंने कैटेगराइज कैसे करना है, ठीक है। अब जो मैंने जुमला बोला है, आपको समझ आ गई होगी कि इसकी इंटेंसिटी क्या है और किस कदर आपकी पर्सनल लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ और डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज के अंदर भी इन्वॉल्व है ये चीज़, कैटेगराइजेशन ऑफ थिंग्स। तो डिव को बनाने का मकसद भी यही था, कैटेगराइजेशन ऑफ थिंग्स। हर चीज़ का एक टैग पड़ा हुआ है, एचटीएमएल का, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपने एचटीएमएल लिखनी है तो एचटीएमएल को लिखने का भी एक टैग है,
ये HTML, ठीक है जी। तो उससे लेके छोटी सी छोटी अगर आपने कोई बुलेट पॉइंट भी बनाना है, उसका भी एक टैग है कि बुलेट पॉइंट कैसे बनेगा। हर चीज़ ऑलरेडी स्पेसिफाइड है कि ये चीज़ इस तरह बनेगी, उसके बावजूद आपको एक डिव टैग की ज़रूरत पड़ी। क्यों? टू बेटर क्लासीफाई थिंग्स, टू बेटर कैटेगराइज थिंग्स। और डिव के साथ और भी बहुत सारे इसके बहन भाई हैं जो कि ये कैटेगराइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। वो भी हम टैग्स इंशाल्लाह इसी जो आगे सीरीज चलेगी लेक्चर की, कोडिंग्स की, हमारे प्रोजेक्ट कोडिंग की, उसके अंदर वो टैग्स आपको सामने आएंगे और वो आप भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डिव बेसिकली पहली बात है कंटेनर है, ठीक है। किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए कहीं पड़ा होना ज़रूरी है, हवा में तो कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो कंटेन करने के लिए, किसी चीज़ को एक जगह समेटने के लिए वो अपने अंदर एक कैपेसिटी रखता है। तो कंटेनर अपने अंदर चीज़ों को समेट लेता है, समोट लेता है सारा। आप अभी पिक्चर देख सकते हैं जो ग्रीन बॉक्स ऊपर नीचे हो रहा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ शेप्स हैं, ठीक है। देखने में लगता है शायद एक कोई तस्वीर पड़ी हुई है, पिक्चर पड़ी हुई है, ऐसी इलस्ट्रेटेड पिक्चर। ऊपर एक ट्रायंगल है, पता नहीं ट्रायंगल है कि वीडियो है, ठीक है। यू जस्ट कैन गेस लुकिंग एट इट कि पता नहीं क्या कुछ कोई बहरहाल चीज़ है जो कि इस ग्रीन बॉक्स में मौजूद है। तो ग्रीन बॉक्स इसको समेट के बैठा हुआ है। ये एक पहली इसके काम हो गया कि चीज़ों को अपने अंदर समो लेना, कंटेन कर लेना। सेकेंड, चूंकि ये कंटेन करता है, इस मीन्स कि एक डिव दूसरे डिव को भी कंटेन कर सकता है, ठीक है। क्योंकि डिव किसी भी चीज़ को कंटेन कर सकता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को अपने अंदर समा सकता है। तो एक डिव दूसरे डिव को जब समा लेता है, उसे कहते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है जी। पर्पल वाला जो हमारा यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, पर्पल वाला जो डिव है, ये पेरेंट है किसका? अपने चाइल्ड का, जो कि ग्रीन बॉक्स है, ठीक है। कोई भी डिव फजूल में पेरेंट नहीं बन जाएगा विदाउट एनी चाइल्ड, ठीक है। अगर मैं डिव गायब कर दूं बीच वाला ग्रीन वाला, तो ये जस्ट अ सिंपल डिव। जैसे ही इसके अंदर कोई एक और डिव आ जाएगा, तो पर्पल वाला पेरेंट हो जाएगा और ग्रीन वाला चाइल्ड हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा रिलेशनशिप इसके दरमियान कायम हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद इसकी पोजीशनिंग होती है, डिव को कहीं ना कहीं पोजीशन करना होता है, क्योंकि जब वो चीज़ एक अपने अंदर उसने कंटेन कर ली है, समेट ली है, तो उस डिव को भी किसी किनारे लगाना है, कहीं रखना है। फिर जहाँ जहाँ डिव जाएगा, उस सामान भी सारा उसका साथ साथ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर एक स्पेशल फीचर है लेविटेशन डिव का। ये चीज़ें हवा में लेविटेड होती हैं, ये 3D परस्पेक्टिव्स क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक है। तो उसके बाद इसके कलर्स भी दे सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि एक पर्पल है, ग्रीन है, और इसका साइज़ भी एक होता है। फॉर एग्जाम्पल, पर्पल इज़ अ बिगर डिव इन साइज देन ग्रीन डिव। तो ये डिव की कुछ प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स, कुछ फीचर्स, कुछ पर्पजेस हैं जो आपको मैंने समझाए हैं। अगर आपको इसकी मज़ीद एक एग्जाम्पल समझ नहीं है, वो ये है कि अगर आपके पास कोई पेपर है कॉपी का, वो एक डिव है। जो भी एक नया डिव आएगा, वो उसके ऊपर प्लेस होता है एज अ पेपर। पेपर के ऊपर अगर आप छोटा सा पेपर फाड़ के रख दें, तो वो जो छोटा पेपर है, वो उसका चाइल्ड बन के इसके ऊपर आएगा। लेट मी जस्ट शो यू दिस एग्जाम्पल बाय मूविंग दिस। ये जो छोटा ग्रीन डिव है, ये इसके ऊपर यूं प्लेस हुआ है, ये इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता इसको, ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा कि इसके आर पार होना शुरू हो जाएगा, ये इसके अंदर इसकी सरफेस के ऊपर प्लेस हुआ है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, आगे जाके मैं इसका आपको वजह भी बताऊंगा कि मैं बात क्यों कर रहा हूँ। कि कोई भी डिव अगर आप किसी डिव के ऊपर रखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये डिव इसके ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है जी। ये जब ये पड़ा हुआ है कि इसकी सरफेस पे पड़ा हुआ है, और ये इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता, इसके बीच में से आधा इधर आधा उधर नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये कि इसके अंदर सुराख नहीं कर सकता, होल क्रिएट नहीं कर सकता। कोई भी डिव अगर आप कहते हैं यार मैंने कुछ प्यारा सा डिज़ाइन बनाना है, ऐसा करता हूँ मैं इस डिव के अंदर एक एम्प्टी सर्कल क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि पीछे जो भी एलिमेंट है, कोई चीज़ है, वो नज़र आना शुरू हो जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये डिव इसकी सरफेस पे पड़ा होता है और इसके ऊपर मूव करता है, और इसका ये हिस्सा बन जाता है कि इस सरफेस से ये बाहर निकलने के लिए आपको पूरा डिव से, टैग से ही बाहर निकालना होगा। यूं या तो ये इस पोजीशन में रहेगा
या ये इस पोजीशन में रहेगा, तीसरी कोई पोजीशन नहीं है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है जैसे नॉर्मल लाइफ में होता है, ठीक है जी। ये एक छोटी सी इसके ऊपर डिव की एक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी है। ओके, नेक्स्ट कोड प्लान। अब हमें कोड की प्लानिंग करनी है कि अब हमें लेआउट का भी पता है कि यार शक्ल कैसी दिखनी चाहिए, पीछे स्ट्रक्चर का भी पता है कि हेडर्स होंगे, फुटर्स होंगे, सेक्शंस होंगे, ठीक है। बेसिकली अब उसको मटेरियलाइज करने का वक्त आया है, हमने अब उसको प्लान करना है कि अब हम कोडिंग करेंगे तो पहले पहले स्टेप क्या है किसी भी चीज़ को कोड करने का। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई ये करना होता है कि इस वेब पेज को बनाया कैसे जा सकता है, किस टेक्नोलॉजी से बनाना है, फ्लैश पे, जावा पे, HTML पे, CSS पे, कहाँ बनाना है इसको, ठीक है जी। ये वेब बेस्ड है, डेस्कटॉप है, क्या चीज़ है। तो पहली बात, ये वेब पेज है तो वेब पेज तो HTML से बनता है, तो ये HTML से और CSS से बनेगा। अच्छा, HTML CSS से बनेगा तो इसके लिए कोई एडिटर चाहिए होगा, हम सादा एडिटर नोटपैड प्लस प्लस तो नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि अभी हमने एडवांस चीज़ें करनी है। तो उसके लिए हम नेसेसरी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड गूगल पे लिखेंगे, आपके पास डाउनलोड के लिंक्स मौजूद होंगे, उसको आप डाउनलोड कीजिए और उसके अंदर आपने तीन एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। एक एक्सटेंशन का नाम है ब्यूटीफाई, ठीक है, ये मैंने तस्वीर भी लगाई हुई है यहाँ पे, ब्यूटीफाई। दूसरा है डिबगर फॉर क्रोम, तीसरा है लाइव सर्वर। इसको हम जावास्क्रिप्ट के बाद में यूज़ करेंगे, जो अभी हमारी इंस्टेंटली यूज़ होंगी वो है ब्यूटीफाई, BEAUTIFI और लाइव सर्वर। ये हम फौरन यूज़ करेंगे, ये जब विजुअल स्टूडियो कोड में खोलूँगा आपके सामने वहाँ पे आपको ये नज़र आ जाएगा और इंस्टॉल का तरीका भी पता चल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने फोल्डर्स में जाएं कंप्यूटर पे, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट का फोल्डर बना दें जहाँ पे इस प्रोजेक्ट को हम आपके साथ बनाएंगे, ठीक है। वहाँ पे बस एक प्रोजेक्ट बना दें, उसका नाम रख दें CV प्रोजेक्ट, ठीक है, और वो बना के एम्प्टी रखी रखें। उसके बाद आपने उस प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन करना है, ठीक है। ये अभी सिर्फ मैं समझा रहा हूँ स्टेप्स क्या हैं, अब मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। ये मैंने VS कोड ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से अभी क्लोज कर देता हूँ, क्लोज वर्कस्पेस। तो आपने VS कोड जब इंस्टॉल कर लेंगे, आपने उसको ओपन करना है, इस तरह से ओपन होगा। ऊपर टॉप लेफ्ट पे फाइल में जाना है, फाइल से आपने करना है ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर करेंगे तो फिर आपने अपने उस फोल्डर तक जाना है जहाँ पे वो प्रोजेक्ट पड़ा होगा, उस पर क्लिक करना है, उसे कहना है सेलेक्ट फोल्डर। तो ये थोड़ा टाइम लेके ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरह ही ओपन होता है, और मेरे इसको चूंकि वर्कस्पेस बनाया हुआ है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा बाद में, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। तो एज अ वर्कस्पेस मैंने इसको सेव किया हुआ है, ठीक है जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने बस इसको ओपन ही करना है फोल्डर से, तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। अभी आप ये सामने जो आपकी कोडिंग नज़र आ रही है, डोंट पे अटेंशन टू इट, ठीक है जी। ये इसकी तरफ भी मैं भी आता हूँ, कोडिंग प्लान। हमने स्टार्टिंग के लिए चार फाइल्स बनानी है, एक हमारी वो वेब पेज का, आपको पता है वेब पेज HTML की जो होती फाइल उससे बनता है, तो एक HTML की फाइल बनाएंगे जो कि हमारा मेन फाइल होगी, उसके अंदर हमारा वेब पेज होगा। फिर हम एक थीम की फाइल बनाएंगे CSS की, उसमें हमारे कलर्स वगैरह पड़े होंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं, और फिर एक हमारी मेन CSS होगी जहाँ पे हमारी सारी स्टाइलिंग हुई होगी, ठीक है। और फिर एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे जो कि फ्यूचर में जगह हम जगह जावास्क्रिप्ट की कोई फीचर हमने अप्लाई करने हैं उस वक्त हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट इस फाइल को तब यूज़ करेंगे, ठीक है। ये चार फाइल्स होनी चाहिए। तो अब मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, आई होप नज़र आ रहा होगा आपको, नज़र पड़ा होगा। ओके, या देखिए यहाँ पे ये VS कोड ने खुद फाइल बनाई हुई है, ये फोल्डर मैंने बाद में बनाया एसेट्स का, जब मैंने तस्वीर डालनी थी, कोई अभी इसकी ज़रूरत नहीं है।
इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की एक फाइल है, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है, एक सी एस एस की फाइल है जहाँ पे हमारी स्टाइलिंग वगैरह होगी, और एक थीम की फाइल है। और ये जो फाइल है ये वर्कस्पेस बनाने की वजह से हुई है, ये भी आपसे कोई ताल्लुक नहीं इसका, और अभी भी इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं। फोर फाइल्स हमारी मौजूद हैं। एच टी एम एल की अब ये फाइल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डॉक टाइप एच टी एम एल रखा हुआ है, और जो प्रॉपर जो तरीका था हमारा जो स्टैंडर्ड है W3 कंसोर्टियम के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, हमने वो टैग सारे यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे तमाम पूरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीव्यू है पूरे कोड का, तो वो जो आप वेबसाइट देख रहे थे उसका ये सारा कोड लिखा हुआ है हमारे पास। ये हमारा थीम है, यहाँ पे हमारे सारे कलर्स पड़े हुए हैं, देखा नज़र भी आ रहे हैं आपको, और ये हमारे स्टाइल शीट है जहाँ पे हमने सारी स्टाइलिंग की हुई है, ठीक है जी। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम इस सारे कोड को डिलीट करके स्क्रैच से बनाएंगे आपके साथ कोड बाय कोड, ताकि हम साथ साथ सीख सकें, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो प्रोजेक्ट को, जो हमारा रिज्यूमे प्रोजेक्ट है उसकी कोडिंग का होगा नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह। इन द मीन वाइल डू शेयर माई वीडियोज़ टू मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी वीडियोज़ शेयर करें ताकि हमारे स्टूडेंट्स इंक्रीज़ हो सकें। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स इंक्रीज़ होंगे मैं उतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ा पाऊँगा, ठीक है। तो मेरा टारगेट है 200 स्टूडेंट्स का दिस मंथ, तो 200 स्टूडेंट्स अगर आ जाते हैं तो आई विल कीप दिस लेक्चर फॉर फ्री फॉर लाइफ टाइम अगर आते रहते हैं, वगरना हमें इसको पेड की तरफ जाना पड़ेगा। तो शेयर इट, आपका भी इसमें फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, इसी तरह हम कोड भी सीखते रहेंगे और हमारा लर्निंग प्रोसेस रुकेगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कोई क्वेश्चंस हो मुझे लाइव चैट में इस वीडियो की बताइए, या जूम में मुझे बता दीजिए, या व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएं, या गूगल क्लासरूम के अंदर आप मुझे क्वेश्चन पोस्ट कर दें, आपको मैं उसका आंसर दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।